हमको बताएं कि साल 2020 में कुछ ऐसा मामला रहा जो आपको लगा हो कि यार इस साल में हमने कुछ सीख लिया। सीखा तो कुछ नहीं, और क्या है कि बहुत सजा मिल गई है उसके हिसाब से। अच्छा, मोबाइल चलाना सीखा इस साल कि नहीं सीखा कायदे से? खाली खाली बैठे क्या किया घर पे? बस क्या है, मोबाइल ही चलाते रहे और क्या है। वो पबजी अबजी खेलते हो? हाँ, पबजी तो खेलता हूँ मैं। पबजी में कौन सी रैंक आती है? रैंक नहीं, आरपी आती है। आरपी कितनी है अभी? मेरी आरपी होगी 26। 26 हो गई बिना पास के साथ? बिना पास आजकल। हाँ, तो पबजी में मतलब क्या मज़ा है ऐसा पबजी में? कुछ नहीं, बस टाइम पास होता रहता है लॉकडाउन में। क्या हम लोग घर में रहते हैं तो बस यही खेलते रहते हैं। तो पबजी तो बंद हो गया फिर भारत में अभी कुछ दिनों के लिए? तो लॉन्च हुआ है ना नया इंडियन पबजी, लॉन्च हुआ है अभी। तो फिर से कर लिया? फिर से डाउनलोड कर लिया, फिर से खेलने लगी। टिकटॉक पे भी थे क्या? नहीं, टिकटॉक पे नहीं था। सच सच बताओ? सच में बोला, टिकटॉक पे नहीं था। नहीं, मैं मतलब देखता था उस पर, वीडियो नहीं बनाता था मैं। अच्छा, अच्छा टाइम पास कहाँ होता, टिकटॉक पे या फिर पबजी में? पबजी पे। पबजी पे बढ़िया। हाँ, पबजी पे बढ़िया होता है। ऐसा लगता है कि असली में गोली मार रहे हैं सामने वाले में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं कुछ। अच्छा, पबजी के अलावा और कोई दूसरा गेम ट्राई नहीं किया ऐसे मार धाड़ वाला? नहीं, और दूसरा नहीं किया, सिर्फ पबजी। सिर्फ पबजी। और अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा हैं और तीन भाई हैं मेरे और दादाजी हैं। दादाजी मतलब कि? अच्छा, पूरा सब परिवार रहते हो आप? हाँ, सब परिवार साथ में रहते हैं हम लोग। प्रेम से? प्रेम से। लॉकडाउन में प्रेम और बढ़ गया होगा? हाँ, साथ ही थे साथ में। नहीं, अलग अलग नहीं, साथ में अभी भी रहते हैं। मतलब काम के लिए अलग चले गए कहीं, फिर अभी लॉकडाउन में तो सब लोग घर में एक साथ ही थे, बनाना खाया होगा खूब। हाँ, वो तो सब वैसे ही हुआ, घर में रहने लेने के लायक कुछ मिलता था, मार्केट नहीं जा पाते थे तो घर में ही रहते थे। अच्छा, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस किया, मलाल रहा लॉकडाउन हो गया उसके बाद घर में पड़े पड़े, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा दुख दे रही थी? बस यहीं घूमना फिरना, मतलब कैद सी हो गई थी ज़िंदगी, मतलब किसी ने अंदर डाल दिया हो, बंद कर दिया हो। एक कैदी का एहसास कहीं ना कहीं करा दिया लॉकडाउन ने। हाँ, करा दिया, ये एहसास तो करा दिया बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने कैदी का एहसास तो सभी को कराया। और सौरभ भाई का नाम बताया ना, सौरभ भाई ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। पबजी खूब खेला इन्होंने अपने टाइम पास के लिए, और ये एक अच्छी बात रही। पबजी को सरकार ने बैन जरूर कर दिया था, हालांकि फिर से बहुत से यंगस्टर्स के मोबाइल में पबजी आ गया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ये कट कर देना।